हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा। ठीक है। सो बच्चों, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 5, यानी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पांचवें लेक्चर की। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, पांचवें लेक्चर में बात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने फोर्थ लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ा था, जिसमें हमने किसी भी बॉडी को चार्ज करने का तरीका सीखा था, जिसे हमने नाम दिया था स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसका हम यूज करते थे किसी भी बॉडी को परमानेंटली चार्ज कराने के लिए विदाउट टचिंग, यानी बिना आपस में टच में लाए। अगर हमें किसी बॉडी को परमानेंटली चार्ज कराना है तो हम लोग यूज करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग का। तो बच्चों, अभी मैं इसी टॉपिक से आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों कंटिन्यू करने वाला हूं, क्योंकि कल की क्लास में हमने इस मेथड के थ्योरेटिकल पॉइंट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, कैसे काम करता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं, एवरीथिंग। आज हम बात करेंगे इसी मेथड के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस की। न्यूमेरिकल एनालिसिस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड न्यूमेरिकल एनालिसिस, यानी जो प्रॉब्लम्स इसके अंदर से पूछी जानी है वो कैसे पूछी जानी है। बच्चों, मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करूं, उससे पहले आप ये स्लाइड देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए, ये हमारे पास में एक न्यूट्रल बॉडी है। हम न्यूट्रल बॉडी के पास में एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आते हैं, ठीक है, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हम लोग इसके पास में लेकर आए, तो यहां नेगेटिव आ गया है और दूसरी तरफ पॉजिटिव आ गया है। पॉजिटिव को हमने अर्थ से कनेक्ट कराया और सारा पॉजिटिव अर्थ के अंदर चला गया, बॉडी के पास में सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा। यानी ये स्लाइड सीधे तौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग के चारों स्टेप्स को शो करती है, जो आपके सामने हम लोगों ने बनाई है। मैंने कुछ इसी तरीके से कल पूरा टॉपिक आपके सामने एक्सप्लेन किया था। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को बच्चों टॉपिक पढ़ाता जा रहा हूं, आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है टॉपिक को समझने में। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, या कमेंट्स में आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे पास में भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को या आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। ठीक है, चलिए। सो अभी हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पर। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या इसकी? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, हमें इसकी बात करनी है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, हमें इसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करनी है। देखिए, सबसे पहले बच्चों, मैंने एक बॉडी लेट की, ये मैंने एक बॉडी लेट की जिस बॉडी पर ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस बॉडी पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जिस बॉडी पर ऑलरेडी पहले से चार्ज होगा, उस बॉडी को हम लोग नाम देंगे, ध्यान से आप दीजिएगा, उस बॉडी को हम नाम देंगे इंड्यूसिंग बॉडी। ये हमारी इंड्यूसिंग बॉडी है स्टूडेंट, इंड्यूसिंग बॉडी। और माना कि इसके ऊपर इतना चार्ज है प्लस क्यू, मैंने इसके पास में एक दूसरी बॉडी को लाकर रखा जो पूरी तरीके से न्यूट्रल है। बच्चों, बॉडी का नाम है बी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने इस मेथड में आप लोगों को बताया था कि पहली बॉडी पर अगर प्लस क्यू चार्ज है, पहली बॉडी पर अगर प्लस क्यू चार्ज है, तो दूसरी बॉडी पर चार्ज डेफिनेटली आएगा और ऑपोजिट नेचर का चार्ज आएगा। यानी पहली बॉडी पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरी बॉडी पर आएगा माइनस के क्यू चार्ज, यानी अपोजिट नेचर का चार्ज आना है। पहली पर प्लस है तो डेफिनेटली दूसरी पर माइनस आएगा। अब वो चार्ज कितना आएगा, वो हमेशा दूसरी बॉडी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट, दूसरी बॉडी का नेचर कैसा है। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि दूसरी बॉडी को हम लोग नाम देते हैं इंड्यूस्ड बॉडी, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग चार्ज लाना चाहते हैं। तो दूसरी बॉडी को स्टूडेंट हमने नाम दिया इंड्यूस्ड बॉडी, और हम लोगों ने ये लेट किया बच्चों कि इस दूसरी बॉडी का जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। इस दूसरी बॉडी का जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। आप लोगों के लिए ये बिल्कुल नया वर्ड है, हम लोग इसे शो करते हैं के से, और इसका नाम है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं अभी इसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा बच्चों, जहां इसकी जगह आएगी वहां आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाँ, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो किसी भी बॉडी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
दूसरी बॉडी का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अभी सिर्फ याद रखना है आपको। तो दूसरी बॉडी पर कितना चार्ज आना है स्टूडेंट, ये डिपेंड करेगा दूसरी बॉडी के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट पर। मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं, पहली बॉडी पर प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू को देखकर इंडक्शन होगा, दूसरी बॉडी पर डेफिनेटली इसके ऑपोजिट नेचर का चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद पहली बॉडी का नाम इंड्यूसिंग बॉडी, दूसरी बॉडी का नाम इंड्यूस्ड बॉडी, दूसरी बॉडी पर जो चार्ज आएगा बच्चों वो दूसरी बॉडी के नेचर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, यानी इस पर आने वाला चार्ज इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, इसके नेचर से कोई मतलब नहीं है, अपने ही नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए दूसरी बॉडी पर जो चार्ज आने वाला है बच्चों क्यू डैश, उसकी वैल्यू रहने वाली है माइनस क्यू वन माइनस वन अपॉन के। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, दूसरी बॉडी पर जो चार्ज आएगा उसकी वैल्यू रहेगी क्यू डैश इक्वल टू माइनस के क्यू वन माइनस वन अपॉन के। ये दूसरी बॉडी पर आने वाला चार्ज है बच्चों, आप लोगों को याद रखना है दूसरी बॉडी पर इतना चार्ज आएगा। मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया कि के क्या है, के एक कांस्टेंट है बच्चों, के एक कांस्टेंट है और इस के का नाम है स्टूडेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं के लिए कुछ वैल्यूज बताता हूं आपको, के लिए कुछ वैल्यूज बताता हूं, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मेटल के लिए बात करता हूं बच्चों तो के की वैल्यू इनफाइनाइट रहनी है। मैं बहुत डिटेल में आपको के बारे में बताऊंगा लेकिन यहां नहीं बताऊंगा, यहां फिर समझिए, मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट रहने वाली है, वाटर के लिए के की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 81 और एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू जो रहने वाली है वो 1 रहने वाली है। मतलब ये हमारे काम की अभी तीन ही मटेरियल है, अगर कोई और मटेरियल आपको दिया जाएगा तो उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। मेटल के लिए इनफाइनाइट, वाटर के लिए 81 और एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 के बराबर है। और के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है बच्चों इस इंडक्शन मेथड के अंदर, क्योंकि दूसरी बॉडी पर अगर चार्ज आएगा तो डेफिनेटली वो दूसरी बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, पहले आप इसे प्रॉपरली अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए जितनी बात मैंने आप लोगों को बताई है। ये दूसरी बॉडी पर पॉजिटिव को देखकर इस बॉडी पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इतना होगा, जो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पूरा प्रोसेस करने के बाद, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखें नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मैथड। भाई हम लोगों ने यह देखा कि दूसरी बॉडी पर जो चार्ज आएगा उसकी वैल्यू इतनी रहेगी के डैश इज इक्वल टू माइनस के क्यू वन माइनस वन अपॉन के। बच्चों ये दूसरी बॉडी पर आने वाले चार्ज की वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि ये जो दूसरी बॉडी पर चार्ज आ रहा है माइनस के क्यू वन माइनस वन अपॉन के, इसे हम लोग किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, इसे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर बच्चों मैं बात करता हूं मेटल की, ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं मेटल की तो दूसरी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो हमेशा पहली बॉडी के चार्ज के बराबर होगा, बस माइनस में होगा, आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये देखिए बच्चों, जैसे कि हमारे पास में एक बॉडी है इसका नाम है ए, इस पर चार्ज है प्लस के 10 कूलम, ठीक है। ध्यान से, हमारे पास में दूसरी बॉडी है बी, हमने इस वाले हिस्से को अर्थ से कनेक्ट करा दिया है, ठीक है, दूसरी बॉडी है हमारे पास में बी, और ये जो दूसरी बॉडी है ये मेटल की है। मैं जानना चाहता हूं कि बताइए इंडक्शन मेथड में इसके ऊपर जो चार्ज आने वाला है वो कितना होगा। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप ये देखिए जिस बॉडी पर आप चार्ज लाना चाहते हैं उस बॉडी का नेचर कैसा है। भाई आप क्लियरली देखिए, दूसरी बॉडी मेटल है तो मैं आपको ऊपर जस्ट बताकर आया हूं, अगर पहली बॉडी पर प्लस के 10 कूलम है तो दूसरी बॉडी पर उतना ही चार्ज आएगा, बस नेगेटिव आएगा अगर दूसरी बॉडी मेटल से मिलकर बनी है तो। तो पहली बॉडी पर हो गया 10 कूलम चार्ज, डेफिनेटली दूसरी बॉडी मेटल की है, इस पर हो गया माइनस के 10 कूलम चार्ज। सो इन द कंडीशन ऑफ मेटल, मेटल के केस में अगर पहली बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन शर्त याद रखिएगा
दूसरी बॉडी आपकी मेटल की बनी हुई होनी चाहिए। अगर वो मेटल नहीं है फिर क्या कंडीशन रहने वाली है, आप लोग देखिए। अगर दूसरी बॉडी बच्चों हमारी नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, दूसरी बॉडी अगर हमारी नॉन मेटल है तो दूसरी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो हमेशा पहली बॉडी से कम होगा। ध्यान से ये लिखा हुआ है, मॉड क्यू डैश इज लेस देन ऑफ मॉड क्यू। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, आपको बात समझ में आएगी। देखिए ये हमारे पास में एक बॉडी है ए, इस पर प्लस के 10 कूलाम का चार्ज है। ये हमारे पास में दूसरी बॉडी है बी, ठीक है। इस दूसरी बॉडी का जो नेचर है बच्चों, ये नॉन मेटल की है, नॉन मेटल, मेटल नहीं है। अगर ये नॉन मेटल है तो के की वैल्यू मैंने मान ली है कि के की वैल्यू इसके लिए 10 है। अगर ये नॉन मेटल है तो के की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी, सिर्फ मेटल के लिए ही के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। मेटल के केस में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर इस पर 10 है तो इस पर माइनस 10 है, और अगर इस पर माइनस 10 है तो इस पर प्लस के 10 है, उतना ही चार्ज, बस अपोजिट नेचर का होगा इंडक्शन मेथड में। लेकिन नॉन मेटल के केस में पहली बॉडी पर प्लस के 10 कूलाम है, डेफिनेटली दूसरी बॉडी पर जरूर कोई ना कोई चार्ज आएगा। पहले आप देखें कि कितना चार्ज आएगा, अगर इस पर प्लस के 10 कूलाम है तो पक्का इसके ऊपर माइनस के 10 कूलाम आना है, सॉरी माइनस में आना है, 10 कूलाम नहीं आएगा, माइनस में आएगा। कितना आएगा हम लोग देखते हैं, निकालने का तरीका है क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस, पहली बॉडी पर 10 कूलाम चार्ज था, 1 माइनस 1 अपॉन के की वैल्यू है 10, सो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस के 10, सॉल्व करेंगे 9 अपॉन 8, सो आंसर इज माइनस के 90 अपॉन 8 कूलाम, 9 अपॉन 10 कैंसिल आउट, आंसर इज माइनस के 9 कूलाम। स्टूडेंट फाइनल आंसर हम लोगों के पास में बन गया है माइनस के 9 कूलाम, माइनस के 9 कूलाम। अब आप देखिए इसके ऊपर प्लस के 10 कूलाम था और इसके ऊपर आता है माइनस के 9 कूलाम, बट डेफिनेटली इस पर पॉजिटिव था तो उस पर नेगेटिव आया, इस पर 10 था तो उस पर 9 आया। मैंने यही तो बात आप लोगों से कही थी कि इस बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो हमेशा इस बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, क्यू डैश इज लेस देन ऑफ क्यू। तो ये बच्चों पूरा हमारे पास में हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, और इसकी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो कुछ इस तरीके से है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, देखिए आप लोग ये पहली बॉडी है हमारे पास में, इसके ऊपर प्लस के 100 कूलम का चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारे पास में वाटर है, ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूं ना बच्चों, ये वाटर है। अब आप ये देखिए कि जिस बॉडी पर हम चार्ज लाना चाहते हैं, पहले तो ये देखिए कि कौन सी बॉडी पर चार्ज है और कौन सी पर नहीं है। इस पर चार्ज है पहले से पॉजिटिव, तो इसका नाम हो गया इंड्यूसिंग बॉडी। इस पर चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, इसका नाम हो गया इंड्यूस्ड बॉडी। तो हम ये कहेंगे इंड्यूस्ड बॉडी पर कितना चार्ज आएगा, तो सबसे पहले बच्चों आप लोग ये देखिए, वाटर के लिए के की वैल्यू रहती है 81, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, डेफिनेटली इस पर नेगेटिव आएगा। कितना आएगा मैं यहां लिख देता हूं, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस 100, 1 माइनस के की वैल्यू हो गई है 81, सॉल्व करेंगे आंसर बन जाएगा दूसरी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो इतना आएगा। तो बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया, अभी मैंने देखिए इंडक्शन मेथड के बारे में पूरी थ्योरी आप लोगों को डिटेल्ड में बता दी थी कि भाई कैसे इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग हमारा काम करता है। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग काम करेगा तो कैसे करेगा। यहां हमारे सामने है इंडक्शन मेथड के ऊपर जो न्यूमेरिकल एनालिसिस आती है वो किस तरीके से आएगी। तो मैंने आप लोगों से कहा कि भाई ये फॉर्मूला है हमारे पास में, पहली बॉडी जिस पर ऑलरेडी पहले से चार्ज है उसका नाम है इंड्यूसिंग बॉडी, जिस पर हम चार्ज लाना चाहते हैं जो न्यूट्रल बॉडी है उसका उसका नाम है इंड्यूस्ड बॉडी। तो इंड्यूस्ड बॉडी पर स्टूडेंट इतना चार्ज आने वाला है, अगर मेटल है तो दोनों पर बराबर चार्ज आएगा, बस फर्क इतना है कि नेगेटिव आएगा। अच्छा मेटल कौन होना चाहिए, पहली बॉडी या दूसरी बॉडी, दूसरी बॉडी जिस पर हम चार्ज लाना चाहते हैं वो मेटल होना चाहिए। नॉन मेटल कौन होना चाहिए, दूसरी बॉडी, पहली बॉडी के नेचर पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, फर्स्ट बॉडी के नेचर के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करेगा, डिपेंड करेगा सेकेंड बॉडी के नेचर पर। अगर वो नॉन मेटल है तो उस पर चार्ज फर्स्ट बॉडी के कंपैरिजन में कम आएगा। निकालने का तरीका ये है, जैसे कि 10 कूलाम था, नॉन मेटल है, के की वैल्यू 10 है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो 10 क्यू हो गया, 10 ये जो क्यू है वो इस बॉडी का चार्ज है, 10 हो गया,
1 माइनस 1 अपॉन के, के की वैल्यू 10 है, यहां पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 9 कूलम्ब। उम्मीद करते हैं कि अब आपको इंडक्शन मेथड की एक टाइप की न्यूमेरिकल एनालिसिस समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट कंडीशन जो हमारे पास में आती है स्टूडेंट, वो कौन सी आती है मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले मैं आप लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल एनालिसिस बताता हूं, हम लोग पहले एक न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं, फिर इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसे आता है। देखो टाइप वन इंडक्शन मेथड के ऊपर जो टाइप वन की प्रॉब्लम है वो मैंने आप लोगों को बता दी, भाई इंडक्शन मेथड के ऊपर जो टाइप वन की प्रॉब्लम है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगी, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू वन माइनस वन अपॉन के, ये इंडक्शन मेथड का फॉर्मूला है। बच्चों हम लोगों का दूसरी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आने वाला है स्टूडेंट, दूसरी बॉडी पर इतना चार्ज आएगा, क्यू पहली बॉडी का चार्ज है, के दूसरी बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। ठीक है चलिए अब आता है इसके ऊपर बच्चों टाइप टू का न्यूमेरिकल, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जेई और नीट को पॉइंट ऑफ व्यू करके पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक सुपर ट्रिक है बच्चों, एक सुपर मेथड है आप लोगों के पास में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए कैसे बनती है प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। एक प्लेट हमें दी गई है स्टूडेंट, एक प्लेट, प्लेट का नाम है ए, एक दूसरी प्लेट हम लोगों को दी गई है, प्लेट का नाम है बी, एक प्लेट का नाम है ए, एक प्लेट का नाम है बी। ध्यान से एक प्लेट का नाम ए है, एक प्लेट का नाम बच्चों हमारे पास में बी है। अब देखिए क्या कहा, प्लेट ए पर हमें इतना चार्ज दे दिया है प्लस के 4 कूलम, और इस पर जो हमें चार्ज दिया है वो है प्लस के 6 कूलम। आपको ये बताना है कि प्लेट इसके इस साइड कितना चार्ज होगा, इस साइड कितना चार्ज होगा, इस साइड कितना होगा, इस साइड कितना होगा, क्यों मैं आपको बताता हूं। देखो इस पर पहले से चार्ज है, बिल्कुल है, इस पर भी पहले से चार्ज है, बिल्कुल है। अगर दोनों के ऊपर चार्ज है और दोनों को मैं पास पास रखता हूं तो डेफिनेटली दोनों के बीच में एक इंडक्शन मेथड काम करेगा, और उस इंडक्शन के मेथड से इन दोनों का जो चार्ज है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा चार्ज। अब हम देखते हैं कि जैसे ही हमने प्लेट को एक दूसरे के नजदीक रखा, आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद में दोनों प्लेटों पर कितना चार्ज होने वाला है बच्चों, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूं तरीका क्या है। जैसे कि दो प्लेट आपको दे रखी है, एक प्लेट पर कितना चार्ज है, प्लस के 4 कूलम, प्लस के 6 कूलम। आप एक काम करो, मैंने कहा ना कि सुपर मेथड है, बहुत ही बेहतरीन मेथड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और ज्यादातर प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसके ऊपर आती है। आप इस प्लेट का चार्ज लीजिए प्लस के 4 कूलम, फिर इस प्लेट का चार्ज लीजिए प्लस के 6 कूलम, और हमेशा 2 से डिवाइड करना है, चाहे प्लेट कितनी भी हो, प्लेट चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, कितनी भी हो, हमेशा आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 6 और 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 कूलम, यानी इस प्लेट के बाहर की तरफ भी 5 कूलम, इस प्लेट के बाहर की तरफ भी 5 कूलम। ध्यान से दोनों के चार्ज को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आने वाली है बच्चों उतना ही चार्ज इस प्लेट के बाहर की तरफ होगा, और बिल्कुल उतना ही चार्ज इस प्लेट के बाहर की तरफ होगा। आपको दोनों प्लेट के चार्ज को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, बिल्कुल उतना ही चार्ज इधर होगा, बिल्कुल उतना ही चार्ज इधर होगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, इस पर टोटल चार्ज कितना है, 4, 5 कूलम इधर आ चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां मैं कितना चार्ज रखूं कि इन दोनों को जोड़कर यह आंसर आना चाहिए, भाई 5 तो है ऑलरेडी, यहां 5 तो है, अगर मैंने यहां माइनस के 1 कूलम रखा तो 5 और माइनस 1, 5 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस प्लेट के बाहर की तरफ हो गया 5 कूलम और इस प्लेट के अंदर की तरफ हो गया माइनस के 1 कूलम। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहां कितना आया, माइनस के 1 कूलम, इस माइनस के 1 कूलम को देखकर इसके इस तरफ आ जाएगा प्लस के 1 कूलम। अब आप सेटिस्फाई करा के देखिए, इस माइनस 1 को देखकर यहां गया प्लस 1, 1 और 5 कितना हो गया, 6, पूरी तरीके से करेक्ट है। यानी जो कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी ये पूरी तरीके से करेक्ट है। दो प्लेट है हमारे पास में, इस प्लेट के इस तरफ 5 कूलम, इस तरफ माइनस के 1 कूलम, इस तरफ 1 कूलम, इस तरफ हमारे पास में है 5 कूलम, तो ये कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। ओके बच्चों,
एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, दोबारा से हम लोग इस पर लौट कर आएंगे, पहले हम लोग एक और एग्जाम्पल बच्चों देख लेते हैं, हम लोग एक और एग्जाम्पल इसके ऊपर देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, जरा समझिएगा आप लोग एग्जाम्पल क्या है। भाई एक प्लेट हम लोगों ने लेट की और माना कि यहां चार्ज है माइनस के 2 कूलम्ब, एक प्लेट हमने ये मानी यहां चार्ज है प्लस के 4 कूलम्ब, एक प्लेट हमने ये मानी यहां चार्ज है प्लस के 6 कूलम्ब, ठीक है। प्लेट ए, प्लेट बी, प्लेट सी, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपसे ये पूछा गया है बच्चों कि ये बताइए इसके दोनों तरफ कितना चार्ज आने वाला है, इधर भी इधर भी, इधर भी इधर भी, इधर भी इधर भी, दोनों प्लेट के दोनों तरफ कितना चार्ज आने वाला है। तो बहुत ही आसान तरीका है यार, क्या करना है तुम्हें, तुम्हें तीनों प्लेट के चार्ज को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। करो ऐड, माइनस के 2 प्लस के 4 प्लस के 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 एंड 4 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 4 कूलम्ब। देखो बच्चों मैंने आप लोगों को चार्ज की एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसका नाम था एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, और जब आप चार्ज को जोड़ते हैं तो जो चार्ज प्लस होता है उसे प्लस लेते हैं, जो माइनस होता है उसे माइनस लेते हैं, यानी ऐड करते समय आपको प्लस को प्लस लेना है, माइनस को माइनस लेना है। जैसे कि ये चार्ज माइनस था ना, तो मैंने इसे माइनस ही यहां रखा, ये दोनों प्लस है तो मैंने इन दोनों को प्लस यहां रखा, आंसर आ गया 4 कूलम्ब, ठीक है। यानी ये जो तीनों को ऐड करके हमने 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 4 कूलम्ब, इधर भी 4 कूलम्ब रहना है और इधर भी 4 कूलम्ब रहना है। जितनी भी हमारी आउटर मोस्ट प्लेट है, बिल्कुल बाहर वाली प्लेट है, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इनके आउटर साइड में ये वाला चार्ज आना है, आउटर मोस्ट प्लेट के आउटर साइड में इतना चार्ज आना है 4 कूलम्ब। अब तुम एक बात बताओ, रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, -2, इधर कितना आया 4, तो भैया मैं इधर कितना रखूं कि इन दोनों को ऐड करके ये आंसर आए, मैं इधर रख दूंगा माइनस के 6 कूलम्ब, क्योंकि -6 को 4 में ऐड करेंगे तो आंसर माइनस के 2 आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात भी समझे होंगे, भाई टोटल आंसर माइनस के 2 आना चाहिए, इधर कितना आ गया है 4 कूलम्ब, तो मैं इधर कितना रखूंगी इन दोनों को जोड़कर इतना आंसर है, यार बड़ा आसान है, माइनस के 6 कूलम्ब रखूंगा, -6 + 4 माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है ओके। अब इसके बाद आप बताइए, ये -6 है तो इस -6 को देखकर यहां कितना आएगा, प्लस के 6 कूलम्ब, ओके। अच्छा तुम एक बात बताओ, आना कितना चाहिए 4 कूलम्ब, यहां कितना आ गया 6 कूलम्ब, बताओ जरा फटाफट जल्दी से आंसर, मैं इधर क्या रखूं कि आंसर इतना आए, मैं इधर रखूंगा -2 कूलम्ब, क्योंकि 6 और -2 4 हो जाएगा। अब तुम यहां आ जाओ, ये कितना है -2, अरे है, इस -2 को देखकर यहां कितना आने वाला है, प्लस के 2 कूलम्ब, ये +2 ये +4, 4 और 2 कितना हो गया 6, आंसर सेटिस्फाई, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा सवाल, बड़े आराम से आप लोग बना सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल इसके ऊपर देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों देखो एग्जाम्पल क्या है, एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, ठीक है। हमने माना प्लेट का नाम ए है, प्लेट का नाम बी है, प्लेट का नाम सी है, सॉरी प्लेट का नाम सी है। यहां पर जो चार्ज है, इस वाली प्लेट पर जो चार्ज है वह है 4q, इस पर जो चार्ज है वह है 6q, ओके, और इस पर जो चार्ज है वो भी है 6q। तीनों प्लेट पर चार्ज आपको दे रखा है 4q 6q 6q। अगर मैंने तीनों प्लेट को एक दूसरे के पास में रखा तो बताना है कि कितना कितना चार्ज आने वाला है। अब ये काम आप लोगों का है, मैंने बताया आप लोगों को कैसे करना है, तीनों के चार्ज को जोड़ देना है, देखो कितना आने वाला है, q इज इक्वल टू 4q प्लस 6q प्लस 6q डिवाइडेड बाय 2, 6 एंड 6 12 और 4 16 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 8q, ठीक है। यानी इस तरफ जो चार्ज हमारे आने वाला है स्टूडेंट, वो आने वाला है 8q, और इधर भी कितने आने वाला है 8q आने वाला है। क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में भी आई होगी। मैं एक करके बता देता हूं आपको, देखो रिजल्टेंट कितना आना चाहिए 4q, आउटर साइड में कितना आ गया है 8q, तो भैया मैं यहां कितना रखूं, यहां रख देंगे -4q, ये 8q है,
ये माइनस के 4q है, ऐड करेंगे 4q आंसर आ जाएगा। ये माइनस के 4q है, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, इस माइनस के 4q को देखकर इंडक्शन की वजह से यहां जाएगा प्लस के 4q। आ गया प्लस 4q। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहां प्लस 4q है और इस पर टोटल 6q है, तो इधर कितना रखूं कि आंसर 6q आए, इधर रखेंगे 2q, 4q और 2q 6q। ये अगर 2q है तो यह आ जाएगा माइनस के 2q, माइनस के 2q और 8q, आंसर इज 6q। तो आंसर आ गया है, हमने हर एक कॉर्नर के ऊपर चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट में मेंशन करें कि ये टॉपिक हम लोग नहीं समझ पाए हैं, उस टॉपिक के ऊपर हम दोबारा से वीडियो बनाकर आपके सामने डालेंगे, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से उस टॉपिक को क्लियर कर सकें। देखो थोड़ा सा ईमानदारी से आप लोगों को भी चलना पड़ेगा बच्चों, एक तो लेक्चर को पूरी प्रॉपर तरीके से आप देखें, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को कराई जा रही है उन्हें सही तरीके से करें। आज मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव की लिंक मेंशन की है, जितना भी टॉपिक मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ा दिया है उस टॉपिक के ऊपर उसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स हैं। यानी मैंने अभी तक आप लोगों को चार्ज के बारे में पढ़ाया है, तो जितने भी चार्ज के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, ए से लेकर जेड तक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके ऊपर क्वेश्चंस मौजूद हैं। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सभी क्वेश्चन उसके अंदर मौजूद है। आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां से हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट कंडीशन हमारे सामने क्या आती है बच्चों, अगला न्यूमेरिकल हमारे पास में क्या आता है बच्चों, इसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है आप लोग देखें जरा, देखिए कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है। यहां चार्ज हमें दिया है प्लस के 2 गुलाम, यहां हमें चार्ज दिया है प्लस के 6 गुलाम, ठीक है। यहां चार्ज हमें दिया है प्लस के 8 गुलाम, स्पेयर ए, स्पेयर बी, स्पेयर सी। आपको यह देखना है कि कुछ देर के बाद में, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद में कितना चार्ज इसके ऊपर आने वाला है। तो आप देखो कि कुछ देर के बाद में कितना चार्ज इसके ऊपर आने वाला है बच्चों, कुछ देर के बाद में कितना चार्ज इसके ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो देखो आप, यहां कितना है प्लस 2, भाई हमने आपसे कहा कि यहां कितना है, यहां प्लस के 2 कूलम्ब है, इस प्लस के 2 कूलम्ब को देखकर यहां कितना जाएगा, माइनस के 2 कूलम्ब, इंडक्शन हो गया। ये स्पेयर ए है, ये स्पेयर बी है, ये स्पेयर सी है। ए वाले पर प्लस के 2 कूलम्ब था, तो उसे देखकर बी के अंदर की तरफ यानी यहां की तरफ माइनस के 2 कूलम्ब आ गया। अच्छा बी पर ओवरऑल चार्ज है कितना, बी पर 6 कूलम्ब है, अंदर की तरफ माइनस के 2 आया, तो बाहर की तरफ मैं कितना रखूं कि बाहर वाले और अंदर वाले को जोड़कर 6 कूलम्ब आंसर आना चाहिए। मैं बाहर की तरफ रख दूंगा प्लस के 8 कूलम्ब, प्लस 8 और माइनस 2 अगेन 6 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। अगर ये 8 कूलम्ब है तो इस 8 कूलम्ब को देखकर यहां कितना आएगा, माइनस के 8 कूलम्ब। अब आप देखो कि बाहर की तरफ कितना है, बाहर की तरफ है प्लस के 8 कूलम्ब, बाहर की तरफ स्टूडेंट जो चार्ज है वो हमारे पास में प्लस के 8 है, अंदर आ गया है -8। तो भैया बाहर क्या रखूं कि उन दोनों को जोड़कर प्लस 8 कूलम्ब आए, बाहर की तरफ रख देंगे प्लस के 16 कूलम्ब, प्लस के 16 और माइनस के 8, प्लस 8, प्लस 8 और माइनस 2 6 और ये प्लस 2, तीनों स्पेयर के बाद आफ्टर इंडक्शन, आफ्टर इंडक्शन, इंडक्शन होने के बाद में कुछ इतना इतना चार्ज इनके ऊपर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये भी हमारे पास में इंडक्शन मेथड की ही एक प्रॉब्लम है, जिसे आप लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक और प्रॉब्लम आपको इसके ऊपर बताता हूं, देखिए आप ध्यान से। जैसे कि एक स्पेयर है, दूसरा स्पेयर है, तीसरा स्पेयर है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहां चार्ज दे रखा है प्लस क्यू, यहां दे रखा है प्लस के 3q, यहां चार्ज दे रखा है प्लस के 5q। ये स्टार्टिंग वाली कंडीशन है बच्चों हमारी, S1, S2, S3। देखते हैं आफ्टर इंडक्शन क्या सिचुएशन आने वाली है, आफ्टर इंडक्शन क्या सिचुएशन आने वाली है। फर्स्ट स्पेयर, सेकेंड स्पेयर, थर्ड स्पेयर, ठीक है। देखते हैं कि आफ्टर इंडक्शन क्या सिचुएशन आने वाली है स्टूडेंट।
अब आप मुझे ये बताइए कि यहां चार्ज है कितना, प्लस क्यू। भाई अगर यहां प्लस क्यू है तो इस प्लस क्यू को देखकर यहां कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। बहुत कॉमन सी बात है यार, इंडक्शन मेथड से एस वन पर अगर प्लस क्यू है तो एस टू के अंदर की तरफ माइनस क्यू आ गया। अच्छा, एस टू पर टोटल चार्ज कितना था, थ्री। मैं बाहर की तरफ कितना चार्ज रखूं कि दोनों को ऐड करके थ्री कूलाम आंसर आए, मैं बाहर की तरफ रखूंगा प्लस के फोर कूलाम, सॉरी प्लस के फोर क्यू, प्लस फोर क्यू को माइनस क्यू में ऐड करेंगे थ्री क्यू आंसर आ जाएगा। अगर यहां प्लस फोर क्यू है तो यहां कितना आएगा, माइनस के फोर क्यू, बाहर की तरफ कितना है फाइव क्यू। भैया बाहर की तरफ कितना चार्ज रखें कि ऐड करके नाइन क्यू आए, फाइव क्यू आए, हम बाहर की तरफ रखेंगे नाइन क्यू, नाइन क्यू और माइनस के फोर क्यू, ये हो जाएगा हमारे पास में फाइव क्यू। इस तरीके से स्पेयर के ऊपर बच्चों हम अंदर और बाहर की तरफ चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक स्टूडेंट हमने आपको बताया कि इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पांच नंबर में पूछा जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स हैं उसके अंदर, इंड्यूसिंग बॉडी किसे कहते हैं, इंड्यूस्ड बॉडी किसे कहते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है, कैसे प्रॉब्लम को आप बनाएंगे, कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया फर्स्ट टाइप की न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव बनकर कैसे आ सकती है, हमने बता दी। ये सेकेंड टाइप की न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव बनकर कैसे आ सकती है, ये भी हमने आपको बता दिया। एक और न्यूमेरिकल के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, हालांकि मैं आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन मैं एक और बार आपके सामने बता देता हूं, ये एक मेटेलिक प्लेट है बच्चों, मेटेलिक प्लेट, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है प्लस 1000 कूलम्ब, ठीक है। हमने इसके पास में एक न्यूट्रल बॉडी को रखा, एक न्यूट्रल बॉडी है बच्चों, न्यूट्रल बॉडी, और अर्थ से कनेक्ट करा दिया। इस न्यूट्रल बॉडी का जो नाम है स्टूडेंट वह है माइका, और इसके लिए के की वैल्यू आपको दे रखी है 6। तो अब आप ये देखिए, इस पर पहले से चार्ज है तो इसका नाम हो गया बच्चों इंड्यूसिंग बॉडी, इस पर हमें चार्ज लेकर आना है तो इसका नाम हो जाएगा इंड्यूस्ड बॉडी। अच्छा, इस पर कैसा है पॉजिटिव, तो डेफिनेटली इस पर कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव आएगा, कितना आएगा क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस के क्यू वन माइनस वन अपॉन के, क्यू की वैल्यू हो गई है बच्चों 1000 और के की वैल्यू हो गई है 6। यहां पुट करके आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं। मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि रिसेंटली ये जेई के एग्जाम में पूछा गया था बच्चों प्रॉब्लम, ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। ओके, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होगी और आंसर भी आप लोगों का निकल कर आ गया होगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या आता है बच्चों, अगला टॉपिक हमारे पास में क्या है हम लोग देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि भाई पहला मेथड जो है हमारा, जिसे हमने फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग का नाम दिया था, दिस इज अ टेम्परेरी मेथड, बहुत कम टाइम के लिए बॉडीज को अगर चार्ज कराना है तो उस मेथड का हम लोग यूज करते थे। दो खास बातें होती थी उस बात मेथड के अंदर, एक तो दोनों बॉडी पहले से न्यूट्रल होती थी, कम समय के लिए चार्ज होती थी, ऑपोजिटली चार्ज होती थी, एक पर पॉजिटिव आता था एक पर नेगेटिव आता था आफ्टर रबिंग। फिर हमने इंडक्शन मेथड में देखा कि एक पर पहले से चार्ज था, एक पर कोई चार्ज नहीं था, बिना टच कराए परमानेंटली हम उस मेथड में चार्ज करा रहे थे। अब बच्चों यहां से हमारे पास में तीसरा मेथड आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर भी बच्चों दो बॉडीज होती हैं, दोनों बॉडीज पर चार्ज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब यह है कि क्या तो दोनों बॉडीज पर चार्ज होगा या कम से कम एक बॉडी पर चार्ज होगा,
क्या तो दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज होगा या कम से कम एक बॉडी के ऊपर चार्ज होगा और दोनों बॉडीज को किसी वायर से कनेक्ट करके या आपस में टच में लाकर हम चार्ज को ट्रांसफर कराएंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। क्या तो हम दोनों बॉडीज को आपस में टच में लेकर आएंगे या चार्ज को ट्रांसफर कराएंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। बात को समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। क्या तो दोनों बॉडीज को टच में लेकर आएंगे या कनेक्ट कराएंगे और तब जाकर हम चार्ज को ट्रांसफर करेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। यानी कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग की आप नोट पॉइंट बनाकर तीन बातें देखिए। पहली बात, क्या तो दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज होगा या कोई भी एक चार्ज होगी। दूसरी बात, इस मेथड में दोनों बॉडीज को टच कराना जरूरी है। स्टूडेंट, हमें दोनों बॉडीज को टच जरूर कराना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस मेथड में ओपोजिट चार्ज नहीं आता है। अगर एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली दूसरी बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। अगर एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली दूसरी बॉडी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ही आएगा। तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि हमें एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। टॉपिक है कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, द प्रोसेस ऑफ चार्ज बाय कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन। मैंने आपको पहले ही कहा दो बॉडीज को आपस में टच में जरूर लेकर आना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट कराना पड़ेगा। इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टेक्ट विद अनचार्ज बॉडी, द अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। यानी जैसे ही हम दोनों बॉडीज को आपस में टच में लेकर आएंगे, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरी बॉडी पर। डिपेंड करेगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। वो सब बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा करंट की ओपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से दूसरी बॉडी हमारी चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट, द चार्ज बॉडी लूज सम ऑफ इट्स चार्ज विच इज इक्वल टू द चार्ज गेन बाय अनचार्ज बॉडी। यानी एक बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी। यानी एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन कुछ कम हो जाएंगे, दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बॉडीज के ऊपर चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए, द चार्ज गेन बाय द अनचार्ज बॉडी इज ऑलवेज लेसर देन इनिशियल चार्ज प्रेजेंट ऑन द चार्ज बॉडी। ठीक है। इसकी बात तो हम सीधा तभी डिस्कस करेंगे जब हम लोग आते हैं, और ये दो पॉइंट भी हम उसी में डिस्कस करेंगे, हम लोग इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से ये मेथड बच्चों काम करता है। देखो, मैंने आपको इतना बता दिया, नाम से क्लियर हो रहा है, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन का सीधा सा मतलब है बॉडीज को आपस में कॉन्टेक्ट में लेकर आना। यानी दो बॉडीज को आपस में कॉन्टेक्ट में लाने से, चार्ज जो ट्रांसफर होगा और दोनों बॉडीज जो हमारी चार्ज हो जाएंगी, वो हम कंडक्शन मेथड के अंडर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। जैसे कि आप लोग ये देखिए, एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन मेथड। देखिए, कंडक्शन मेथड का एग्जाम्पल क्या है, जरा समझ जाएंगे आप लोग। बताइए मुझे जरा, इस बॉडी पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। क्या इस बॉडी पर कोई चार्ज है? नहीं है। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा आप, अगर इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जैसा चार्ज वैसा पोटेंशियल। ये बॉडी न्यूट्रल है तो इसका पोटेंशियल जीरो है बच्चों, इसका पोटेंशियल होने वाला है जीरो। ठीक है। इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल पॉजिटिव। इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, पोटेंशियल जीरो। करंट फ्लो होगी बच्चों हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन जाएंगे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, करंट फ्लो होगी पॉजिटिव टू जीरो, हाइयर टू लोअर, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अब तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ब्लू वाला है ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के जाने को। अब तुम एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस पर भी कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस पर तो पहले से पॉजिटिव था ही। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम दोनों बॉडीज को आपस में कनेक्ट करेंगे, करंट हमारी इधर जाएगी, ये करंट है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर,
तब तक जाएंगे जब तक दोनों बॉडीज का चार्ज या पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है। चार्ज तो नहीं कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। मैं चिंता मत करिए, सारी बातें आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, आपको फिर समझ में आएगा। जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको पता चलेगा कि कंडक्शन मेथड में होता क्या है। देखो दोनों बॉडीज हमारी ऑलरेडी चार्ज हो गई। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों हमारा काम करता है। देखिए आप लोग ध्यान से, जैसे भाई मान लीजिए कि हमारे पास में एक बॉडी है ए, और मैंने आप लोगों से कहा कि इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है। ये दूसरी बॉडी है हमारे पास में बी, ये न्यूट्रल है। स्टेप वन, बताओ समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? सबको समझ में आ रही होगी बात, इतनी बात तो बड़ी इजी है। स्टेप वन, इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये बॉडी पूरी तरीके से न्यूट्रल है, ठीक है। देखो इसके बाद हमने क्या किया, स्टेप टू, हमने दोनों बॉडीज को आपस में टच में रख दिया। ऐसे जैसे हमने दोनों बॉडीज को टच में रखा, इस पर कैसा चार्ज था? नेगेटिव, ये न्यूट्रल थी। यानी अगर ये नेगेटिव चार्ज था तो इसका पोटेंशियल भी कैसा हो गया बच्चों? नेगेटिव। और अगर ये न्यूट्रल थी तो इसका पोटेंशियल कैसा हो गया बच्चों? जीरो। इसका पोटेंशियल नेगेटिव, इसका पोटेंशियल जीरो। जीरो हो गया हायर पोटेंशियल और नेगेटिव हो गया लोअर पोटेंशियल। जो जीरो है अपने पास में वो तो हो गया हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव है वो हो गया लोअर पोटेंशियल। अब मैंने आपसे कह रखा है भाई, कोई भी बता देगा यार, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल, न्यूट्रल जीरो पोटेंशियल, बड़ा कौन है? जीरो बड़ा है, नेगेटिव छोटा है। करंट हमेशा जाती है हायर टू लोअर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट की डायरेक्शन है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो आप ये देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, छह, छह में से तीन इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर यहां पहुंच जाएंगे। जैसे ही तीन इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे, इस बॉडी पर भी कैसे चार्ज जाएगा? नेगेटिव। और इस बॉडी पर भी कैसे चार्ज जाएगा? नेगेटिव। इस तरीके से हमारी दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी। अच्छा तीन तीन ही क्यों गए? आप एक बात देखिए, तीन तीन का मतलब क्या है? छह इलेक्ट्रॉन थे, यानी ये टैंक इतना भरा हुआ है, ये टैंक पूरी तरीके से खाली है। यहां से पानी यहां जा रहा है, कब तक पानी यहां से यहां जाएगा? जब तक ये नीचे आ जाए यहां पर, और ये नीचे से ऊपर, जब दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा फिर कोई भी पानी यहां से यहां नहीं जाएगा। बिल्कुल वही कंडीशन यहां है, जब दोनों का लेवल पोटेंशियल लेवल सेम हो जाएगा, जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका हो जाएगा, फिर दोनों को टच में करा के कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि फिर कोई भी चार्ज का ट्रांसफरेशन नहीं होगा, कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, दोनों ऑलरेडी चार्ज हो चुके हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए आप लोग स्टूडेंट इसके ऊपर, जैसे कि ये बॉडी हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडी हमारे पास में न्यूट्रल है। अब आप देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल हो गया पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है इसका पोटेंशियल हो गया जीरो, ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। करंट जाएगी हायर टू लोअर। देखो बच्चों, ये करंट की डायरेक्शन है, ध्यान से, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग समझ रहे होंगे, करंट की डायरेक्शन हो गई हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जाएंगे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां जाएंगे। अब आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां गया और पॉजिटिव को खत्म कर दिया इसने, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल आउट। एक और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो इसने इसे पॉजिटिव को खत्म कर दिया। अब तुम एक बात बताओ, अगर दो नेगेटिव यहां से यहां आ गए तो यहां दो पॉजिटिव बन गए। अरे नेगेटिव अगर किसी से बाहर निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है या नहीं आता है? दो नेगेटिव यहां से यहां आ गए तो यहां दो पॉजिटिव बन गए, और दो नेगेटिव ने यहां आकर इन दो पॉजिटिव को खत्म कर दिया, तो इस बॉडी पर भी कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और इस बॉडी पर भी कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग में बच्चों बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। ये हमारा कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग है, ठीक है। थोड़ा आज हमारे पास में टाइम कम है बच्चों, तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं तक रखने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, एक तो जो मैंने आप लोगों से आज पहली बात कही कि चार्ज का टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है, कल तक ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक हफ्ते की हमारी इसके अंदर क्लास लगनी थी। आज मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें
इस टॉपिक के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स बन सकती है वो हम लोगों ने सब डाली हुई है, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। संडे मॉर्निंग 10 o'clock, संडे सुबह 10 बजे हम एक लाइव सेशन रखेंगे बच्चों। उस लाइव सेशन में हम आपके चार्ज के ऊपर जितने भी डाउट्स हैं, अगर आप कोई टॉपिक दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट दोबारा से सीखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक दोबारा से पढ़ना है। संडे उस लाइव क्लासेस में वही सारी चीज़ें हम दोबारा से रिपीट करके चलेंगे जितने भी आप लोगों के डाउट्स होंगे उसके अंदर, या जो मैंने आज आपको एक DPP दी है डिस्क्रिप्शन में यानी लिंक में, उसमें कोई प्रॉब्लम आपकी रहती है। मैंने जैसा कि पहले कहा था कि उस DPP के अंदर चार्ज के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं A से लेकर Z तक, वो सारी प्रॉब्लम उसके अंदर मेंशन है, तो बड़े आराम से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब मंडे से हम लोग आप लोगों को नए प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। आप मंडे से पहले जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि मंडे के बाद में आप YouTube के ऊपर लेक्चर नहीं दे पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसीलिए आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, हम लोग जिससे कि आप लोगों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहां से अलॉट कर सके, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, हम लोगों ने पढ़ा क्या आज। देखो, मैंने आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस बताई इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग की, उसके ऊपर कौन कौन सी प्रॉब्लम बन सकती है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने बात की कंडक्शन मेथड ऑफ चार्ज की, ये कंडीशंस मैंने बताई हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल हम लोग इसी से कंटिन्यू करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है, कल की क्लास में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट।